एक सुनसान गली की छोटी सी दुकान में बेहद शांत में मैं एक बंद बोतल में कैद हूँ। मुझे आमतौर पर इसीलिए खरीदा जाता है कि घर की साफ सफाई आसानी से की जा सके। उस दिन शायद मैं इसीलिए नहीं बिका था, मुझे खरीदने वाले ने ज्यादा दाम देकर मुझे खरीदा था। मेरा खरीदार बहुत जल्दी में लग रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। वो बहुत तेजी में भी था, मानो उसे कोई बहुत जरूरी काम निपटाना हो। जब जब वो मुझे देखता, जब जब वो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता, मुझे लेकर वो एक जगह खड़ा हो गया। शायद वो वहां किसी का इंतजार कर रहा था। बार बार वो खुद को भी भीड़ की नजरों से बचा रहा था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो मेरे लिए एकदम नया था। काफी इंतजार के बाद उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की उसकी ओर से आ रही थी। लड़की को देखते ही वो छिप गया। लड़की के करीब आते ही वो अचानक से उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाऊं, वो मुझे उस लड़की के ऊपर फेंक देता है। लड़की मेरे अंदर से निकलने वाली आग से जल रही है। मैं अब उसके चेहरे पर फैल रहा हूं। लड़की तड़प रही है। मेरा खरीदार मुझे लड़की पर फेंक भाग गया, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। मैं लड़की के चेहरे से भाग जाना चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे कारण एक लड़की जल रही है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा, उसकी सुंदरता छीन रही है। मुझे इसके लिए नहीं बिकना था। मुझे मत बेचो, मुझे नहीं बिकना, बिल्कुल भी नहीं। पता है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मैं तेजाब हूँ, मैं तेजाब हूँ। ये कहानी लिखी है शिवम शर्मा जी ने, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज उन्होंने एक तेजाब के दर्द को बयां किया है, बताया है कि तेजाब क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। सही मायनों में तेजाब हमारे दिमाग में है, और हमें अपने तेजाब दिमाग से तेजाब को निकालना है। बिल्कुल दोस्तों, तेजाब हमारे यहाँ है। कहाँ से आता है ये क्राइम, कहाँ से बनती है ये सोच, कभी सोचा है इस बारे में? शिवम शर्मा जी, आपने जो कहानी लिखी, शायद काफ़ी लोग इससे इम्प्रेस होंगे, और काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर भी होंगे, और काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ अच्छी सोच आएगी, एक चेंज आएगा। शिवम शर्मा जी, आपके पास ऐसी बहुत सी कहानियां हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें, और आप लोगों को भी ऐसा मौका मिल सकता है कि आप लोग भी आगे आए और ऐसी कहानियाँ हम लोगों के बीच में लेके आए, और मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी, आप लोगों के बीच में लेके आऊँगी। और क्योंकि और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिवम शर्मा जी का कि उन्होंने स्टॉप सेल एसिड का हिस्सा बने, इस मुहिम का हिस्सा बने, और इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, और कहीं ना कहीं अगर एक इंसान बदलता है तो समझिए एक इंसान 100 के बराबर होता है। तो बहुत सारे लोगों की सोच में भी बदलाव आता है, हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर एक चेंज आता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कोई बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदल के देखिए। और आप हमें मेल कर सकते हैं stopsaleacid@gmail.com पे, हमारे कैंपेन से जुड़ सकते हैं अपनी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शिवम शर्मा जी का, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये कहानी सुनी, और इस कहानी को और आगे लेके जाएं, और अपनी कहानियों को हम सबके बीच में लेके आए। थैंक यू सो मच। याद रहे, आपका एक मिनट का वीडियो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। #StopSaleAcid